हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 26 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट को किस तरीके से इस मेथड को यूज करना चाहिए लाइफ साइकिल के अंदर इन रिएक्ट, और थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे हम। एंड जस्ट की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई रिएक्ट जेएस टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लाइफ साइकिल कंपोनेंट विल अनमाउंट को। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इसे रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट कंपोनेंट विल अनमाउंट वाज अ लाइफ साइकिल मेथड यूज इन क्लास कंपोनेंट्स। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एज ऑफ रिएक्ट 17 दिस मेथड हैज बीन deprecated and is no longer recommended for use. React introduced the unmounting phase where components are removed from the DOM and component will unmount used to be a part of this phase. Okay. जब कभी भी आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट आपको यूज करना होता था तो आपका एक क्लास कंपोनेंट के साथ में चलता था जो मेंशन कर रखा है पहली लाइन में। सेकंड लाइन में मैंने यहां पे मेंशन करा है कि जो आपका React 17 है उसके बाद इन्होंने इस चीज को मेथड को रिमूव कर दिया और रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको यूज भी ना करें आप। ओके, और ये जो आपका अनमाउंटिंग वाला फेज होता है आपका, उस टाइम पे ये आपका मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका डॉम से कोई भी चीज रिमूव हो रही होती है लाइक कंपोनेंट। ओके, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। द कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड वॉज इन्वोक्ड राइट बिफोर अ कंपोनेंट वॉज रिमूव फ्रॉम द डॉम एंड डिस्ट्रॉयड। इट प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एनी नेसेसरी क्लीन अप टास्क सच एज कैंसिलिंग टाइमर, क्लीनिंग सब्सक्रिप्शंस और रिलीजिंग रिसोर्सेज टू अवॉइड मेमोरी लीक्स। तो कुछ इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं वहां पे जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, जब कभी भी आपको कंपोनेंट विल अनमाउंट को मेथड को यूज करना होता है। तो इसके बाद में इसका पर्पस क्यों होता है और पर्पस में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने इंटरव्यूअर को। इट इज कॉल्ड जस्ट बिफोर अ कंपोनेंट इज रिमूव फ्रॉम द डॉम एंड डिस्ट्रॉय। ओके, कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं डॉम से जब वो होता है, आप इस मेथड को यूज करते हैं। Its primary purpose was to avoid memory leaks by cleaning up resources associated with the component. Okay. And third point है, with the introduction of React hooks and the useEffect hook, cleanup task can be handled more easy and efficiently in functional components. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ये method है, ये आपका remove कर दिया था React 17 के बाद में, और जो कि आने वाली videos में हम hook cover करेंगे, उनमें से एक hook होता है आपका useEffect। और यूज इफेक्ट को यूज करने के बाद में हम यही सेम चीज कर सकते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। एक बार अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अभी जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, माउंटिंग के फेस में हमने आपका कंस्ट्रक्टर देखा था, रेंडर देखा था, आपका कंपोनेंट डिड माउंट देखा था। सेम आपका अपडेटिंग के केस में हमने देखा था आपका यहाँ पे न्यू प्रॉप्स और न्यू स्टेट के केस में रेंडर हो रहा था और कंपोनेंट डिड अपडेट हो रहा था वहां पे। और अनमाउंटिंग के केस में हमें मिलता है यहाँ पे कंपोनेंट विल अनमाउंट, ओके, जो कि अब यूज नहीं होता क्योंकि वो हुक्स ने रिप्लेस कर दिया इन सारी चीजों को जो कि आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम यूज करने वाले हैं वो है आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट को। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एडिटर पे लेके चलता हूं और प्रैक्टिकल में आपको करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यूअर को एग्जांपल देना है इंटरव्यू के टाइम पे। चलिए यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे मेरे पास सेम फाइल होने वाली है जो प्रीवियसली हमने यूज कर रखी थी, वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। आपका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर और H1 हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसका आउटपुट आप देखेंगे तो ब्राउजर पे कुछ इस तरीके से अभी आपको विजिबल हो भी रहा है। तो यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट भी चाहिए होगा जो चाइल्ड कंपोनेंट का हमारा रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं। न्यू फाइल करता हूं मैं और फाइल का नाम रख लेता हूं मैं unmount.jsx, ओके, और RCC कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारा कंपोनेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इतनी चीज को मैं यहाँ करता हूँ आपका सेव, एंड सेव करने के बाद में इस कंपोनेंट को सबसे पहले यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। और कॉल करवाने का मेथड तो आप समझ ही गए होंगे, जो शॉर्टकट मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने कंपोनेंट बनाया उसको यहाँ पे हमने इम्पोर्ट करवा लिया है, ओके, ये इम्पोर्ट हो चुका है। अगर मैं इतनी चीज को सेव करूं अभी और सेव करके आपको यहाँ ब्राउजर पे लेके चलूं तो देखिए आपको अनमाउंट यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, अब ये जो हमने कंपोनेंट अभी बनाया है ये वाला, ठीक है, इसको किस तरीके से यूज करना होगा तो देखिए यहां चलते हैं सबसे पहले हम और यहां पे आते हैं और यहां पे ये कंपोनेंट आपका किस तरीके से यूज होगा तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको आपका H2 कर देता हूं, करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद देखेंगे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको अभी ये। अब इसके बाद में यहां पे क्या करते हैं हम, आपका सबसे पहले आपका चिल्ड्रन अनमाउंट कर देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के बाद में यहां पे मैं लेता हूं आपका example 1, इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था कंपोनेंट डिड माउंट,
ओके, जब कंपोनेंट डिड माउंट, जब ये आपका कंप्लीट होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा, उस टाइम पे हम ये क्या करेंगे, यहां पे आपका सेट इंटरवल, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका सेट इंटरवल होता है, उसी मेथड को हम यहां यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, दिस आप जो भी चाहे वो नाम रख सकते हैं, मैं यहां पे आईडी ले ले रहा हूं, और इसके बाद में करेंगे हम यहां पे सेट इंटरवल, ओके एंड कर्ली ब्रेसिस, इसके अंदर हम यहां पे कंसोल लगा देंगे देखिए, और यहां पे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपका इंटरवल, ठीक है, टिक, ये मैंने यहां पे लिख दिया, और ये चलेगा कितनी देर में, ये चलेगा आपका 1 सेकंड पे हर बार, तो मैंने यहां पे ये डिक्लेयर भी कर दिया। अगर मैं इतनी चीज को सेव करूंगा अभी और मैं आपको लेके चलूं यहां पे, तो यहां पे आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, और यहां पे आप देखेंगे कंसोल में, यहां पे आपको कंसोल होते हुए दिख भी रहा होगा। अगर मैं इसको यहां से क्लीन कर दूं और रिफ्रेश कर दूं यहां पे, तो देखिए रिफ्रेश होने के तुरंत बाद 1 सेकंड बाद आप देखेंगे यहां पे, और मैंने यहां पे दोबारा क्लीन कर दिया है, देखिए वापस आपको दिख रहा होगा, क्लीन होने के बाद बार आपका ये हिट होके कंसोल हो रहा है यहां पे। तो ये तो आपका चल रहा है। अब मानिए यही चीज आपका जब ये कंपोनेंट रिमूव होगा ना, तो ये स्टॉप हो जाना चाहिए, इट मींस कि काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी बनाएंगे हम यहां पे। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे हम, तो यहां पे हम ले लेते हैं आपका, देखिए मैं लेता हूं यहां पे एग्जांपल 2 कर देता हूं मैं, और एग्जांपल 2 के अंदर हम करेंगे आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट को, ठीक है, ये हम ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं इसको पहले, ये देखिए फॉर्मेट कर दिया मैंने। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आपका क्लियर इंटरवल करके हमें मिलता है फंक्शन, हम इसको लेंगे, दिस लगाएंगे क्योंकि क्लास कंपोनेंट है, दैट्स वाई हम यहां पे, और इंटरवल आपकी आईडी जो हमने यहां पे डिक्लेयर करी थी वो हम यहां पे रख रहे हैं, ओके ये चीज होगी आपकी। और यहां से एक कंसोल ले लेते हैं हम आपका, करता हूं मैं कॉपी, करता हूं मैं पेस्ट, यहां पे लिख देते हैं आपका रिमूव, करूं मैं इतनी चीज को सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए एक बार मैं यहां से क्लीन करता हूं, दोबारा रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए आपको यहां पे विजिबल होगा, देखिए आपका हिट हो रहा है, कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है, बट जो अभी हमने मेथड यूज करा आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट, वो आपका अभी कॉल नहीं हो रहा। वो कब कॉल होगा, वो कॉल होगा आपका एक और यहां पे फंक्शन के तौर पे, कहां पे, आपके एप डॉट जेएस पे। तो आपको अब क्या करना होगा यहां पे, मानिए मैं क्या करता हूं यहां पे आपका ले लेता हूं एग्जांपल 2 कर देता हूं मैं इसे, और यहां पे होगा आपका बटन। इस बटन में हम क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करवा के हम चीजें रिमूव कराएंगे, मानिए वो कंपोनेंट को ही रिमूव करवा देंगे हम। तो कैसे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमने कंस्ट्रक्टर ले रखा है, यहां पे हमें एक स्टेट लेनी होगी, तो दिस डॉट स्टेट, ओके और कर्ली ब्रेसिस हम यहां पे शो ले लेते हैं, और ट्रू कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब यहां पे हमें शो करती रहेंगी, वो आपका जो कंपोनेंट है वो शो करता रहेगा बाय डिफॉल्ट के केस में। बट यहां पे ऑन क्लिक लेंगे हम, कर्ली ब्रेसिस लेंगे, देन इसके बाद में एरो फंक्शन दिस डॉट सेट स्टेट, ओके देन इसके बाद में कर्ली ब्रेसिस, इसके अंदर शो जो है हमारा, यहां पे हम अब कंडीशन बनाएंगे नॉट के साइन के साथ। देखिए ये हम टॉगल की तरह बना रहे हैं चीजें, अगर हम ये साइन का यूज करते हैं ना, ट्रू एंड फॉल्स यही हो जाएगा आपका। ये देखिए मैं यहां पे शो रख दे रहा हूं, ये हमने क्या करा, दिस डॉट सेट स्टेट के ऊपर आपका जो शो है, जो हमारा यहां पे शो है बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना, तो यहां पे उसको वो उल्टा कर देगा, इट मींस कि वो फॉल्स कर देगा, जब वो फॉल्स होगा तो वो ट्रू कर देगा, ऐसे चलेगा वो। अब इस चीज को चेक करना है तो आपको यहां पे कंसोल लगाना होगा, देखिए मैं कंसोल लगा के आपको प्रिंट करवा के वैल्यू दिखा भी देता हूं पहले कि क्या वैल्यू आ रही है, क्लिक्ड मैं क्लिक लिख देता हूं एंड दिस स्टेट ओके डॉट शो। अब इसके अंदर हमें क्या वैल्यू देखने को मिल रही है वो देख लेते हैं, यहां करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे ब्राउजर पे, एंड यहां पे क्लीन करते हैं, यहां पे रिफ्रेश अगेन। सबसे पहले आप क्लिक देखेंगे ट्रू है अभी आपका, ओके जब आपका रेंडर होता है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आपका जो चिल्ड्रन कंपोनेंट है वो आपका यहां पे कंटिन्यूअसली उसके अंदर जो अभी हमने फंक्शन बनाया मेथड यूज करा है माउंट होने पे, वो आपका सेट इंटरवल हिट कर रहा है उसे बार बार 1 सेकंड पे। अब मैं यहां पे आपका बटन पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे आपका क्लिक, ओके इट मींस कि फॉल्स ट्रू आपको यहां पे मिल भी रहा है। अब क्या करेंगे आप, इसी के बेस पे आप क्या चाहते हैं यहां पे कि आपका कंपोनेंट या शो एंड हाइड हो जाए, ओके आप क्या चाहते हैं इस कंडीशन बेस पे आप चीजों को शो एंड हाइड कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं इसको करूंगा कट कॉपी, ठीक है, और यहां पे आपका कर्ली ब्रेसिस दिस स्टेट डॉट शो अगर होगा तो आपका कंपोनेंट ये शो हो जाना चाहिए, और एल्स के केस में आप क्या करेंगे H2 ले लेंगे, वहां पे हम लिख देंगे रिमूव्ड, सिंपल, ठीक है। इतनी चीज कर दी मैंने, देखिए कंडीशन में क्या करा, कर्ली ब्रेसिस लिए, कर्ली ब्रेसिस में दिस डॉट स्टेट डॉट शो क्वेश्चन मार्क का साइन लिया, अगर होगा तो कंपोनेंट होगा हमारा चिल्ड्रन, अदरवाइज वो यहां पे रिमूव्ड लिखा दिखाई देगा हमें। करेंगे यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां पे एक बार मैं आता हूं फिर दोबारा रिफ्रेश करता हूं, देखिए
रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे बाय डिफॉल्ट ट्रू आपको मिल रहा है अभी, और इंटरवल टिक हमने लगाया था कब, जब आपको बार बार हिट हो रहा होगा, और रिमूव के टाइम पे क्या लगाया था हमने, इंटरवल टिक रिमूव्ड। अब क्या करते हैं यहां पे, करते हैं क्लिक। जैसी क्लिक करेंगे हम तो सबसे पहले आपका रिमूव्ड लिखा आ गया, और यहां पे आप देखेंगे इंटरवल टिक रिमूव्ड, और उसके बाद देखेंगे आपका जो टाइमर चल रहा था, जो बार बार हम कंसोल हिट करवा रहे थे, वो अब हिट नहीं हो रहा है। बट जैसी मैं दोबारा क्लिक करूंगा वैसी होगा ये ट्रू, एंड ट्रू होने के तुरंत बाद ये फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा देखिए कंसोल से। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप कंपोनेंट विल अनमाउंट को यूज कर सकते थे, जो पिछला मेथड था आपका। आने वाली वीडियोस में मैं यूज इफेक्ट के साथ में आपको सिखाऊंगा यही सेम चीज कैसे करनी है आपको वहां पे। ओके, तो ये देखिए किस तरीके से चल रहा था आपका, अगेन मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको ये मेथड सिखाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले गाइज। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका रिएक्ट जेएस के अंदर हुक्स को, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और सब कुछ कवर करेंगे हुक्स के बारे में। ये भी आपका लाइफ साइकिल का ही आपका अपडेटेड वर्जन है, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए टिल देन बाय गाइज।